और दोस्तों मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों IRCTC में आने वाले बहुत ही अच्छे टारगेट्स और यहाँ पे शेयर का प्राइस ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है 643, जो कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको लगभग एक महीने शेयर का जो प्राइस था वो 580 के आसपास था, ट्रेड कर रहा था, और आज यहाँ पे 643 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बाइंग लेवल आपके लिए बढ़ चुके हैं, और अभी आपको जो है कौन से लेवल पे बाइंग करना है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर के अंदर बताना इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही फंडामेंटल नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। लास्ट में हम बात करेंगे कौन से लेवल पे बाइंग करें, उससे पहले हम फंडामेंटल को देख लेते हैं। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि देखो फंडामेंटल देखेंगे तो हम आने वाले शेयर के बारे में पता लगा पाएंगे कि क्या चल रहा है शेयर के अंदर। मैं बता दूँ तो 557 शेयर का प्राइस साल के अंदर नीचे गया है और 774 रुपये हाई भी गया है, जो कि आप देखिए 643 रुपये देखने को मिल रहा है, और जो कि अभी के रिटर्न है वो माइनस लगभग 2.5% के रिटर्न है वन ईयर के 2.5% के रिटर्न को ज़्यादा नहीं है। मैं कहूँगा अगर आप 580 पे बाइंग करते हैं तो ये माइनस में देखने को मिलता, तो उस टाइम अगर आप बाइंग करते हैं तो आज यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो रहा होता। मैं कहूँ नहीं, ये नहीं कहूँगा कि आप उस टाइम बाइंग करते नहीं करते, अभी क्या लेवल बनने वाले हैं, अभी सेल करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए, और मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी है और अब लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे बन सकती है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट निकाल के निकल जाना है तो वो आपको साल भर का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं हमेशा शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ IRCTC की तो क्वालिटी की तो एक्सेलेंट क्वालिटी है। वैल्यूएशन आप इसका देखें एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल ट्रेड भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलती है। इसको लेकर मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि अगर बात करें सेक्टर ट्रैवल सर्विसेज है। मार्केट कैप यहाँ पे 51,604 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। यहाँ पे अगर बात करें वन ईयर रिटर्न जो है वो लगभग 3% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी की डिविडेंड की तो कंपनी डिविडेंड यहाँ पे देती है आपको। यहाँ पे होल्डिंग अगर रखना चाहते हैं, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो 0.77 के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है, तो आने वाले टाइम पर और भी अच्छा डिविडेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। PE रेशियो 52% के साथ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की तो 62 प्रमोटर होल्डिंग है। FIs 0.31 माइनस यहाँ पे थोड़ा सा किया है। म्यूचुअल फंड 0.032% के हिसाब से। इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे भरोसा जताया 1.01 के हिसाब से। DIs और पब्लिक के अंदर यहाँ पे लगभग वही सेम इशू चल रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पे शेयर का प्राइस चल रहा है। अभी कोई ज़्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया है कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा हाईली गिर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ चार्ट पैटर्न के ऊपर लेवल अगर हम देखें शेयर के तो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर शेयर का प्राइस जो काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। मार्च के एंड के अंदर देखें तो 561 रुपये शेयर का प्राइस था, और जहाँ पे अगर देखें 600 रुपये ये अप्रैल 20 के अंदर देखने को मिला था, और आज इस शेयर का प्राइस 642-643 देखने को मिलता है। तो एक लेवल बनता है यहाँ पे 600 रुपये का, जो कि बहुत टाइम बाद ही आएगा जहाँ पे आप बाइंग कर पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जो फर्स्ट बाइंग करना है, जितना शेयर आप बाइंग कर रहे हैं, जितना बाइंग कैपिटल का बाइंग करना चाहते हैं, जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं, उसका आधा यहाँ पे लगभग 620 रुपये पे बाइंग कीजिएगा फर्स्ट टाइम। पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, वॉचलिस्ट में रखिए। डेली मार्केट अगर गिरता थोड़ा देखने को मिलता है, और गिरता बढ़ता तो देखने को मिलता ही है, हम डे ट्रेडिंग तो करते नहीं है, मार्केट गिरता बढ़ता रहता है तो हर एक शेयर पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हमको अगर ये शेयर 620 पे देखने को मिलता है, हम यहाँ पे 620 पे फर्स्ट बाइंग करेंगे अपने कैपिटल का आधा। नेक्स्ट अगर डे अगर ये बढ़ता भी है तो हमको तो प्रॉफिट ही हो रहा है। हमको अगर निश्चित किया हमने कि 10 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो 10 रुपये प्रॉफिट अगर उसी शेयर से हो जाता है तो हम 10 रुपये प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट अगर वापस से लेवल अगर 620 भी आता है तो भी हम उसी 620 पे बाइंग कर लेंगे, और उसी अमाउंट पे बाइंग करेंगे जितना हमने बाइंग किया था पहले, और प्रॉफिट को हम अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट अगर उसके बाद जो बाइंग करेंगे वो जो कंसोलिडेट लेवल आ रहा है 600 रुपये का, उस पर बाइंग कर लेंगे, और उसके आगे अगर गिरना है तो वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट जितना कितना है उसको आपको हमेशा समझना है कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा। 3 महीने के मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ बदलता है। आपका शेयर अगर स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे बहुत लोग इस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप इस कंपनी से कभी बाहर नहीं सकते। आने वाले टाइम पे एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद करेंगे। मैं कहूँगा कि जब भी इसका ये स्टॉक जो स्प्लिट हुआ है, ये शेयर का प्राइस जो 6,000 के आसपास चला गया था, इसीलिए स्टॉक का प्राइस आज यहाँ पे आपको 600 रुपये पे देखने को मिलता है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।